तादाद हालांकि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ईसाइयों की है, वो हफ्ते में एक दिन चर्च जाते हैं। अगर वहाँ भीड़ गए या कुछ जो है ईसा मसीह के बारे में कुछ बात हो गई, जीसस के बारे में, यीशु के बारे में, तो हो गई, नहीं तो फिर वो भी नहीं होती। इसके अलावा फिर बातचीत वो नहीं करते। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये है कि जब अगर उनका नाम कहीं पर आ जाएगा और अगर वहाँ पर लोग हैं, 50 लोग बैठे हैं, तो जैसे ही उनका नाम आएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलात व सलाम की आवाज़ें गूंजने लगी। ये अल्लाह के रसूल सल्लम की नाम की खासियत है। और नाते हम देखेंगे, नाते ईसा मसीह के ऊपर भी इंग्लिश में लिखी हैं लोगों, लेकिन इतनी नहीं लिखी, मुख्तसर कोई होगी या वही चल रही है लगभग कई सालों से। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला इसमें ऐसा है कि लोगों ने अपनी ज़िंदगी, शायरों ने अपनी ज़िंदगी सर्फ कर दी, या वो शायर इस मजमून के भी ना हो, किसी को दीनी नाते लिखते हो या दीनी शायरियाँ लिखते हो, किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे फिल्मों में लिखता हो, चाहे गज़ल से लिखता हो, चाहे ऐसी कविताएँ लिखता हो, या किसी भी उसमें लिखता हो, पेपरों के लिए लिखता हो, किताबों के, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि उसने कुछ शोभा अल्लाह के रसूल सल्लम को ना दिया हो। अगर मुसलमान है, कुछ ना कुछ तो देगा, कुछ ना कुछ अल्लाह के रसूल सल्लम के बारे में ज़रूर लिखा, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं लिखा शायर। तो हालांकि ऐसा ईसा अलैहि सलाम के ताल्लुक से नहीं मिलता, अल्लाह के रसूल सल्लम पर लात लिखने वाले और सुनने वालों ने ज़िंदगी इसके अंदर लगा दी, और किसी भी अदब के शायर को कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा या पढ़ा है। अजान होती है, अल्लाह के रसूल सल्लम का नाम आता है। तकबीर होगी, अल्लाह के रसूल सल्लम का नाम आएगा। सीरत पढ़ेंगे, तफसीर पढ़ेंगे, तर्जुमे पढ़ेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लम का नाम उसमें। यानी दुनिया के अंदर कोई लम्हा ऐसा नहीं है जब अल्लाह के रसूल सल्लम का नाम इस कायना, इस जो है ज़मीन पर ना लिया जा रहा, ऐसा कोई एक लम्हा नहीं गुजरता। बल्कि लम्हों के अंदर भी, एक एक लम्हे में के अंदर भी हजारों बार अल्लाह के रसूल का नाम लिया जाता है। सबसे ज़्यादा नाम लिए जाने वाले शख्सियत अल्लाह के रसूल सल्लम की, और ये एजाज़ अल्लाह के रसूल सल्लम को अल्लाह ने दिया है।